question. A resistance of 300 ohm and an inductance of 1 by 5 Henry are connected in series. An AC voltage of 20 volts and 200 hertz frequency. The phase angle between the voltage and current is. तो बच्चों गिवन है हमें एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है 300 ओम और एक इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस बाय पाई ऐसा यूनिट हेनरी. अब इसमें हमें एसी वोल्टेज गिवन है दैट इज ई आरएमएस इज ई वोल्ट ऑफ पी गिवन 200 हर्ट्ज की फाइंड करना है कि वोल्टेज एंड करंट के बीच फेज एंगल क्या होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल निकाल लेते हैं फेजर. तो दिस इज R and this will be. अब बच्चों यहाँ पर हम प्रेजेंट करेंगे रेजिस्टेंस एक्सिस रिएक्टेंस. तो डेफिनेटली हमें इनका जो नेट है दैट इज जिसको हम बोलेंगे इम्पीडेंस जेड कॉल करेंगे वो हमें कुछ एंगल बनाते हुए सपोज फाई एंगल करेंट मिल जाएगा. तो बच्चों अब हम लिख सकते हैं कि जो हमें फेस एंगल मिलेगा जिसको हम करेंगे tan phi, this will be XL divided by R, because tan ratio is the opposite side divided by the same side. अब XL की वैल्यू होगी the L, it means resistance R. वैल्यूज पुट कर देंगे 2 pi, F की वैल्यू है 200, L की वैल्यू है pi, रेजिस्टेंस की वैल्यू है तो न्यूमरेटर में पाई पाई कैंसिल 4/3. तो बच्चों हमें पाई का आंसर वर्स 4/3. तो करेक्ट ऑप्शन इज ए. थैंक यू.